हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल काव्या जानी एंड कवन जानी। आज हम ये पुराने टी शर्ट को नया लुक देंगे, नई फैशन का बनाएंगे। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्री में सब्सक्राइब है, तो जल्दी से जाइए और सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए, जिससे कि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलो तो अब बनाना शुरू करते हैं। देखिए, ये एक टी शर्ट लिया है मैंने, उसमें ऐसे देखे वो डिजाइन चली गई है, वो जैकेट की जो डिजाइन होती है वो चली गई है, तो ये बिल्कुल पहनने में अच्छा नहीं लगता, तो हम उसका रियूज करेंगे। अब ये जैकेट का हिस्सा है, उसकी ऐसे सिलाई निकाल देना है, उसको अलग कर देना है, ऐसे दोनों साइड कर लेना है। देखिए, मैंने उसका ये जैकेट का हिस्सा निकाल लिया है, अंदर कितनी खूबसूरत डिजाइन दिख रही है ना। देखिए, ये स्लीव में मैंने ऐसे सर्कल कट कर लिया है, और जो जैकेट में नीचे के हिस्से में सफेद पट्टी थी वो मैंने निकाल ली थी और उस पर ऐसे लगा दी है, तो ये डिजाइनर टॉप बनके तैयार हो गया है। देखिए ये कितना खूबसूरत लग रहा है, ये मेरा पहला आइडिया है। अब ये दो टी शर्ट है, उसमें मैंने क्या किया है, ये ब्लैक वाले टी शर्ट की ऐसे स्लीव निकाल दी है और वहां ऐसे सिलाई कर दिया है दोनों ओर। अब देखिए, ये लाल कलर का टी शर्ट था वो ऐसे अंदर पहनना है, फिर उसके ऊपर ये ब्लैक टी शर्ट पहनेंगे तो ये बहुत खूबसूरत दिखता है, आप देख सकते हैं। ये हमारी न्यू टी शर्ट की डिजाइन तैयार हो गई। ये मेरा दूसरा आइडिया है। देखिए, ये टी शर्ट की स्लीव ऐसे लंबी है, तो हम उसकी स्लीव ऐसे निकाल लेंगे। देखिए, मैंने एक ऐसे बना के रखा है, वो मैं आपको दिखा रही हूं। ये स्लीव है, उसको ऐसे थोड़ा सा रखना है, फिर कट करना है। अब ये स्लीव को यहाँ नीचे सिलाई कर देंगे। देखिए, ये टी शर्ट में इसे स्लीव बन के तैयार हो चुकी है। अब जो हिस्सा हमने काटा था स्लीव का, उसको हम ऐसे नीचे लगा देंगे और नीचे के हिस्से को ऐसे थोड़ा बड़ा रखेंगे और ऐसे दो डिजाइन बना लेंगे और साइड में ऐसे थोड़ा सा कट लगा के ऐसे सिलाई कर देंगे, तो ये हमारा प्यारा सा टॉप बन के तैयार हो गया है। इतना खूबसूरत लग रहा है ना, आप भी ऐसे बना के देखिए, फिर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना कि आपको मेरा कौन सा आइडिया पसंद आया। ये मेरा तीसरा आइडिया है। अभी ये दोनों में से हम कुछ अलग बनाएंगे। देखिए, ये टी शर्ट का पीछे का हिस्सा है और मैंने इसे नीचे उसको काट लिया है और उसमें से ऐसे मास्क बना लिया है। अब ये टी शर्ट को ऐसे हम कैंची से काट लेंगे, फिर वहां सिलाई कर देंगे। ये छोटा टी शर्ट ऐसे बनके तैयार हो चुका है। आप ऐसे ये टी शर्ट को कोई भी टॉप या कुर्ती के साथ ऐसे अंदर पहन सकते हैं। ये मेरा चौथा आइडिया है। मेरे पास ऐसे टी शर्ट का ऐसे टुकड़ा पड़ा है, मैंने ऐसे नीचे के हिस्से से मास्क बना लिया था, अब ऊपर का हिस्सा हम यूज करेंगे। उसको ऐसे दोनों साइड ऐसे गोल काट लेंगे, जो हिस्सा हमने काटा था उसको ऐसे स्लीव में ऐसे लगा देना है। अब ये एक कुर्ती है, उसके नीचे के हिस्से से मैंने ऐसे
मास्क बना लिए हैं। अब हम इसे उसकी स्लीव को निकाल लेंगे। अब इसके पीछे के हिस्से में जो नेट है वैसे ही हम ऐसे नीचे के हिस्से में वो जो नेट हमने काटी थी उसको यहाँ ऐसे लगा देंगे, उसको ऐसे दोनों ओर सिलाई कर देंगे। देखिए ये हमारा डिजाइनर टॉप बनके तैयार हो गया है। ये मेरा पांचवा आइडिया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना। आप ऐसे नए नए आइडियाज देखना चाहते हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए, और फ्री में सब्सक्राइब है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, घंटी के निशान को दबाना मत भूलना और अपने फैमिली और फ्रेंड्स को शेयर भी कर देना।